सेशन 25 के लिए प्रदेश के मुखिया ने साधा मारवाड़। सीएम गहलोत ने लोहावर, सालावास, पाली और जालौर में की सभाएं। आज सिरोही का दौरा कर जयपुर से दिल्ली के लिए होंगे। कांग्रेस की चुनाव समितियों ने शुरू किया काम। पीसीसी में हुई मीडिया कमेटी की बैठक। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने पर हुआ। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होगा अटल साहित्य केंद्र का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी सहित कई पदाधिकारी रहेंगे। 1,65,00,000 के रिश्वत कांड में बड़ा खुलासा। दलाल शांतिलाल निकला बड़ा भूमाफिया। जयपुर में एक प्लॉट पर कब्जे का किया था प्रयास, लेकिन स्थानीय पार्षद ने हटवा दिया था कब्जा। शहर में और भी कई जमीनों पर किए थे कब्जे। घूसखोर सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद पर भी सनसनीखेज खुलासे। महंगी शराब और कार का था शौकीन। घर की तलाशी में मिली जेवरात से भरी हुई अलमारी। जयपुर पुलिस ने सैकड़ों करोड़ की ठगी का किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 18 बदमाश गिरफ्तार। न्यूक्लियर आर्टिकल रेडियो एक्टिव के नाम पर करते थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में दिल से मिले दिल। कई सालों से अलग रह रहे पति पत्नी हुए एक। भाई भाई का झगड़ा हुआ खत्म। रंग लाई समझाइश। बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट होगा और मजबूत। सुनील भार्गव की घर वापसी। चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने किया स्वागत। सरकार बनाने का किया दावा। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रूट का विस्तार का किया पीएम मोदी ने उद्घाटन। पाकिस्तान पर बोले, उन्होंने नीचे सजावट की, हम ऊपर से आ गए। वहीं विपक्ष पर भी बरसे प्रधानमंत्री। कहा, पिछली सरकारों के वक्त सेना लचर थी। लंदन में खुलेआम घूम रहा भगोड़ा। नीरव मोदी एमईए बोली, दिखने का मतलब ये नहीं कि तुरंत भारत ले आए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब पर चिदंबरम का कटाक्ष। लगता है कि चोर ने लौटाए राफेल के दस्तावेज। पाक प्रधानमंत्री का आतंकवाद के खिलाफ बयान। कहा, पाकिस्तान की सरजमी को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दिया बड़ा बयान। कहा, 5 साल में सीमा पर पार कर 3 बार स्ट्राइक की, पर तीसरी की जानकारी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी की शुरू किया आंदोलन। इंदौर में किसानों की कर्ज माफी, बिजली जैसे मुद्दों पर किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया नेतृत्व। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़। टीएमसी ने कहा, 3 में से 1 शख्स को दबोचा। गुजरात में झटकों के बाद कांग्रेस को थोड़ी राहत। अल्पेश बोले, पार्टी में बना रहूंगा। गुजरात में कांग्रेस को 2 बड़े झटके। गुजरात में 2 विधायकों ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। बीजेपी में शामिल हुए नेता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनों को अब 5% की जगह 9% मिलेगा डीए। वहीं पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। बिहार की सियासत में नया उबाल। जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दिखाए बाकी तेवर। जेडीयू से बीजेपी के गठबंधन पर उठाए सवाल। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की मांग तेज। अब गाजियाबाद में लगे वाड्रा के पोस्टर। लिखा, गाजियाबाद करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा की बार। राजापदा मोचन बल के नवनिर्मित भवन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कुंभ को लेकर कहा, दुर्घटना से मुक्त था इस बार का आयोजन। बलूचिस्तान के डेरा मुफ्ती में गैस पाइपलाइन में धमाका। 4 की मौत। बलूच लिबरेशन टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। डर की वजह से इमरान की सरकार छिपा रही है जानकारी। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स के बीच पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशान। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अमित शाह ने की शिरकत। बीजेपी और आरएसएस के समन्वय पर भी हुई चर्चा। चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। लोकसभा के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी।
ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स में चादर की पेशकश का सिलसिला जारी। संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार की चादर पहुंची दरगाह, मुल्क में अमन और चैन की मांग दे दिया। न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के बीच 8 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए बॉलीवुड एक्टर इरफान खान, छुपा रखा था चेहरा। आकाश लोका की शादी में लगा सेलिब्रिटीज का जमावड़ा, आमिर शाह और करण कपूर, रतन टाटा सहित कई सेलिब्रिटी शादी में पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा वनडे मैच आज चंडीगढ़ में पहुंची दोनों टीमें, आज पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा मुकाबला।